नमस्कार फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, एचओडी श्री राम सिंह हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई फिजियोथेरेपी फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अभी मैं दिल्ली में हूँ और ये जो दिल्ली का सीन हम देख रहे हैं, जो ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी बेड खाली नहीं है। ये सब चीज़ देख के हम लोगों का जो मेजर रोल ये है कोविड 19 पेशेंट में, कि हम लोग कोविड 19 पेशेंट को देखना भी पड़ रहा है और वो एक धर्म भी है, देखना भी चाहिए। क्योंकि जितने भी कोविड 19 के पेशेंट हैं, सारे पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी करना बहुत ही ज़रूरी है। और चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के बाद जो पेशेंट फील बेटर, उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन जिनको भी अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके लिए आप भाग रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई भी बेड खाली नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, वैसे में हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारा बॉडी का इम्यून पावर जो है स्ट्रॉन्ग रहे। और यदि हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आप नॉर्मल पोजीशन में बैठे रहेंगे तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है आपको होगी, लेकिन जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरुआत हो जाए तो हम अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको थोड़े समय के लिए बताना चाहता हूँ। शायद आपको ये टेक्निक से आपको बहुत ही आराम मिले और शायद आप इससे बच सकते हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर आपको हो रहा है तो सबसे पहले आप प्रोन पोजीशन में लेट के सांस लेना है आपको। प्रोन पोजीशन का मतलब होता है पेट के बल लेट के। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेट के बताता हूँ कि कैसे प्रोन पोजीशन में हम लेटेंगे। प्रोन पोजीशन में मतलब पेट के बल हम लेट गए और पेट के बल लेट के बढ़िया से, और अगर आप चाहें तो एक या दो किलो आप उंगल ये पेट के नीचे, खाई के नीचे आप रख सकते हैं और एक पंजा के नीचे ऐसे रख सकते हैं। और आपको सांस लेना है, जैसे लंबी लंबी सांस लेनी है यकीन मानिए। अगर ऐसा करते हैं और इस तरह से अगर आप सांस लेते हैं तो आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो धीरे धीरे आपको कम हो जाएगी। और ऐसा करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें और उनसे बात करें कि आगे फर्दर हमको क्या करना है। जय।